जुड़ने के लिए। तो बिना देरी करिए हम शुरू करते हैं। मैं हमारे साथ जो मेहमान है लिंका सर, जो आप पहले भी देखे होंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन सर आप दे दीजिए। हेलो, माय सेल्फ उत्तम लेंका और मैं न्यूट्रिशन में डील करता हूँ सिंस लास्ट 15 ईयर। 15 साल से मेरे न्यूट्रिशन का तजुर्बा है और जो भी हमें जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, आपने इसको आयुर्वेदिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, नेचुरोपैथी का सॉल्यूशन बोल सकते हो। और उसका अंदर में जैसे डॉक्टर साहब मेरे साथ में एसोसिएटेड है, उनका जो डिजीज़ का ऊपर में हमें भी कुछ सप्लीमेंट देते हैं, इसका ऊपर में बढ़िया रिजल्ट आया है, हमें अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए हमें जो फिजियोथेरापी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है और उसका ऊपर में नॉर्मली हम कंबाइन होकर बैठते हैं, उसका ऊपर में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे पीठ दर्द, अपर बैक पेन, जिनका लगभग यहाँ पे पेन होता है। अगर मैं इसको स्लाइड में अगर मैं दिखा दूँ तो लगभग इस पॉइंट में बहुत लोगों का इस पॉइंट में दर्द रहता है। लेकिन ये केवल लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, बहुत लोगों को नेक के आसपास इस एरिया में भी दर्द होता है, पीठ में काफ़ी दर्द होता है। तो ये बहुत सारे जो दर्द के जो इस टाइप के केसेस हैं, मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें मैंने 50% केसेस में मैंने ऐसे पाया है कि उनको उनका जो सेटिंग पोस्चर है, जैसे कि उनका जॉब, अगर मान लीजिए लंबे समय तक कंप्यूटर में बैठना है, या फिर कुछ ऐसा प्रोफेशन जिसमें उनको बैठ करके लिखना है, झुक करके काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम वाला है, समय है, तो लैपटॉप में काफी देर तक काम करना होता है, तो उसकी वजह से पीठ दर्द हो जाता है, हो जाता है। तो लेकिन 50% ऐसे केसेस हैं जिनमें मैंने पाया है कि उनका जो हिस्ट्री है, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो पता चलता है कि उनको क्रॉनिक गैस्टिपेशन का शिकायत हो रहता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है। तो हम अपने फिजियोथेरेपी के जरिए मैं जो इनको जो पीठ में जो दर्द होता है उसको तो मैं ठीक कर देता हूँ, लेकिन एक लंबा टर्म के लिए, इलाज के लिए उनको अपने कॉन्स्टिपेशन पे भी काफी काफी ध्यान देना होगा, खान पान पे ध्यान देना होगा, कुछ चीजें हैं उनको लेना होगा जिनके ऊपर मैं लंका सर को जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो वो समझाएंगे। तो जब भी आपको पीठ दर्द होता है, तो जब भी आपको सॉरी जब भी आपको पीठ में दर्द होता है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं कुछ टिप्स आप लोगों को मैं दे देता हूं कि क्या आप कर सकते हैं जब आपको पीठ में दर्द है। तो ये एक वीडियो है कमर दर्द के ऊपर में। तो एक्चुअली क्या है कि मैं अपने जो पेशेंट होते हैं उनको काफी मैं ये जो एक्सरसाइज है मैं उनको काफी करने के लिए बोलता हूँ। आप क्या करिए, एक टेनिस बॉल आप ले लीजिए, ये आप लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैं खड़े होकर के मैं डेमोस्ट्रेट किया हुआ है। आप ये चीज आप लेट के भी कर सकते हैं सो करके, या फिर आप कुर्सी में बैठे हुए हैं तो चेयर के पीछे भी आप ये रख करके, और इसमें जो बॉल दिख रहा है ये आप नॉर्मल सा टेनिस बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ में आपने रख लिया और इस तरह से आप रगड़ेंगे ऊपर नीचे, और थोड़ा क्लोजअप व्यू में दिखा दूं तो इस तरह से आप रगड़ेंगे तो काफी हद तक आपका जो पीठ में जो दर्द है वो काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। और साथ साथ में बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, मैं जो स्लाइड्स आज मैं प्रिपेयर किया था, जैसा कि मैं बताया टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं उस चीज को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल में जाएंगे, अगर आप इस लाइव स्ट्रीम का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उस वीडियो का लिंक मैंने दिया है, वहां पे जाकर के आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली करेंगे तो आपका काफी हद तक अपर बैक पेन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जिनको अपर बैक दर्द का प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द का प्रॉब्लम है, इररेस्पेक्टिव टू एनी कॉज, कोई भी कारण हो, अगर आपको ये इस चीज का प्रॉब्लम है तो आप ये टेनिस बॉल वाला एक्सरसाइजेस जरूर करें, इससे आपको जरूर लाभ होगा। लेकिन इसके पीछे अगर वजह गैस्ट्रिक है, अगर आपको साथ में गैस्ट्रिक का भी, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है, तब आपको कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका खान पान का जरूरत है, साथ में खान पान नेचुरल वे के साथ साथ में थोड़ा सा अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे, एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे, तो हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम आपका जड़ से खत्म हो जाए। तो देखिए टेनिस बॉल के इस्तेमाल से आप ये एक्सरसाइज करें, मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको जरूर फायदा होगा। अब मैं लंका सर को मैं स्विच ओवर करना चाहता हूँ। सर आप
हमारे दर्शकों को बताइए कि कॉन्स्टिपेशन, मैंने तो बताया एक्सरसाइजेस करना है, आप सब एक्सरसाइजेस जरूर करें, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप इस वीडियो को आगे तक ध्यान से जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लंका सर हमें देंगे। तो सर आपको मैसेज हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। और दोस्त, जो हमारा जो जैसे आपने फिजियोथेरेपी ले रहे डॉक्टर साहब, सारे बात बताए, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशन आता है हमें किसी भी थेरेपी के अंदर में जाते हैं, तो सेम चीज़ हमें जब न्यूट्रिशन का बात करते हैं, हमारा नॉर्मली ट्रीटमेंट जो शुरू होता है पेट से ही शुरू होता है, क्योंकि हर एक का इलाज पेट से ही होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि हम शरीर के लिए जो भी चाहिए, हमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, वाट एवर हमें जरूर होते हैं, हमें मुँह से ही लेते हैं। मुँह से लेकर पेट में डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस के अंदर में हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी रिसीव कर लेता है और सेलुलर लेवल पर पहुँचा देता है, और रिमेनिंग जो अनयूज्ड चीज़ है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, इसको स्टूल का आकार में निकाल देता है। तो फिर किडनी फिल्टर करता है, उसका अंदर में एक्सेस जो मटेरियल्स आ जाता है उसको साफ कर देता है, पेशाब का आकार में निकल जाता है, ये हमारा प्रोसेस है। तो डाइजेशन का जहाँ तक बात है, क्योंकि हाजमा एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप तो खाना बढ़िया खा रहे हो, अगर हाजमा ठीक नहीं है, हाजमा का प्रोसेस आपका ठीक नहीं है, तो एक तो कॉन्स्टिपेशन होगा, लैट्रिन साफ नहीं होगा, लैट्रिन साफ नहीं होगा तो अंदर में स्टोर होगा, इसमें सड़ेगा, गैस बनेगा, और गैस्ट्रिक के चलते आपको बहुत सारे परेशानियां हो सकता है, आँख में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, और गैस जहाँ जहाँ जाएगा, पेट में दर्द हो सकता है, जहाँ गैस जाएगा वहाँ पेन करेगा। जैसे अभी अपर बैक पेन का बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, क्योंकि वहाँ अगर गैस रुकता है, नॉर्मली हमें कहते हैं हवा रुक जाता है, एयरलक हो जाता है, सेम हमें अगर आपका कोई शिरा का अंदर में जाकर वहाँ पेन भी करता है, स्वेलिंग करता है, बैक पेन ही कराएगा। जो भी आपका पोस्चरल चीज़ है, आपने तो डॉक्टर साहब सारी चीज़ बता दिया, वीडियो के अंदर में भी देखेंगे, क्योंकि हमारा पोस्चर बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसके साथ साथ में डाइजेशन भी बड़ा रोल करता है, क्योंकि डाइजेशन का अंदर में पोस्चरल का केस में भी कहूँगा और ऐसे भी गैस्ट्रिक केस में भी कहूँगा, अगर गैस वहाँ पर पहुँचा है अल्टीमेटली आपको पेन करेगा, एयर वहाँ लकिंग करेगा। अगर आपको पोस्चरल का बात करूँ, ऑब्वियसली हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ऑलवेज हमें अच्छा पोस्चर में बैठ नहीं पाते, और हमें मालूम नहीं है कौन सा पोस्चर में बैठना है, ये भी नॉर्मल केसेस है। लेकिन जब हमें ओवर स्ट्रेस होते, जैसे बताया अभी आपने कंप्यूटर में बैठते हो, तो कंप्यूटर में बैठते हो तो जो पोस्चर में बैठते हो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपको जरूरी है, और वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए। हो सकता है हमारा खाना का अंदर में है, लेकिन हमें वो सोर्सिंग नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ डाइजेशन, आपका हजमा ठीक नहीं है, इसलिए जो जगह पे जो चीज़ पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता है। तो हमें बेसिकली देखना डाइजेशन के लिए, हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना, उसका ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना। तो पहला बात है, हमारा डाइजेशन को लेंगे तो पहला माउथ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ हमें ग्राइंडिंग राइटली करना, वहाँ सलीवा ऐड होता है, ऐड होने के बाद में वो डाइजेशन प्रोसेस का शुरुआत होता है, फिर आपका स्टोमक का अंदर में चलता है, वहाँ एसिड सिक्रेशन होता है, एसिड और थोड़ा सा टुकड़ा करता है आपका खाना को, फिर घुसा देता है आपका इंटेस्टाइन का अंदर में, स्मॉल इंटेस्टाइन, और थोड़ा सा पतला कर देता है, छोटा कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसमें न्यूट्रिशन ऑब्जर्व हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर आपका वाटर ऑब्जर्व हो जाता है और बाकी न्यूट्रिशन ऑब्जर्व हो जाता है, फिर स्टूल का आकार में निकल जाता है। न्यूट्रिशन जाकर आपका शरीर में ब्लड के साथ में मिलता है, ब्लड इसको अप्रोप्रिएट प्लेस में लेकर पहुंचा देता है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो बात है, इसका अंदर में डाइजेशन डिजर्डर क्यों आता है, देखिए डाइजेशन के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ का ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। आपका खाना का क्वालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का डेट में हर एक खाना का अंदर में टॉक्सिन से भरा पड़ा है, और आज जो मॉडर्न खाना है इसमें तो टॉक्सिन है, प्रिजर्वेटिव है, पोल्यूटेंट्स है, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, ऑयल है, सॉल्ट है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इसीलिए आपका खाना को आपको खुद को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़, आज डाइट का अंदर में हमारा फाइबर का कंटेंट्स कम हो जाता है, क्योंकि फाइबर इस चीज़ को हमें पसंद नहीं करते। फाइबर अगर ज़्यादा जाएगा अल्टीमेटली आपका स्टूल को नरम करेगा, आपको हजमा में बहुत मदद करेगा। और बहुत सारे लोग इतना काम का अंदर में व्यस्त रहते हैं, तो इसके चलते क्या होता है, अप्रोप्रिएट पानी ले नहीं पाते जितना मात्रा में पानी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और डाइट पैटर्न है, अगर आपने सिंपल खाना खाते हो पानी कम मिलेगा, अगर आपने ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हार्ड जो चीज़ खाते हो, मतलब जो क्या कहते हैं वो मतलब मच्छी पच्छी जैसे, या कोई चीज़ मतलब जो ग्रुपा कहते हैं उसको अगर खाते हो, उसमें ऑब्वियसली डाइजेशन के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो आपने वो पानी प्रॉपरली लेते हो नहीं। सोने का एक बड़ा रूल होता है, आपको टाइमली सोना है, टाइमली खाना है, ये सारे चीज़ को भी ध्यान देना। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, ऑब्वियसली हम बताएंगे, मैं अभी डॉक्टर साहब को बताता हूँ, प्राइमरी चीज़ में इसको आपको देखना, एक्सरसाइज भी जरूरी है, ठीक है, हम फिर आगे आते हैं। तो जैसे कि लंका सर ने बोला, मैं उसको थोड़ा सा पिन पॉइंट कर देता हूँ, किस किस चीज़ में आपको ध्यान देना है। आपको आपके खाने का जो आहार है, समय है, उस समय को आपको सही सुधार
कहलाना है, किस समय में आप खाते हैं, किस समय में, मतलब एक रूटीन आपको बनाना है और रूटीन को फॉलो करना है आपको। रूटीन आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका डाइजेशन प्रोसेस नहीं चलेगा। इन्होंने बोला कि ज़्यादा मसालेदार तेल वाला चीज़ नहीं खाना है, और इन्होंने और भी कहा कि क्या बोलते हैं, एक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस गोवर्स हैं तो आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम, अगर शाम समय नहीं निकाल पाते हैं तो शाम के समय में आप एक्सरसाइजेस पे थोड़ा सा ध्यान दें, जो कि हजम करने में मदद करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने चैट में सवाल तो नहीं है, एक सवाल है कि सर आई एम गेटिंग पेन इन अप, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ओल्ड सॉन्ग, सर आई एम गेटिंग पेन इन अपर बैक वाइल लाइंग डाउन ओनली डे टाइम और वॉकिंग, नो पेन ओनली लाइंग डाउन पेन इज देयर। तो ओल्ड सॉन्ग जी, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, तो मैं जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि आप थोड़ा सा वो जो टेनिस बॉल वाला एक्सरसाइज आप करेंगे जब आप लेट के करते हैं, मैं फिर से वो मैं आपका सुविधा के लिए मैं उसको दिखा देता हूँ। चलिए वो फिर से मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप ये वाला एक्सरसाइज आप करिए, आपको लिए लेट के करना है ये, भले मैं इसको खड़े होकर के मैं ये वीडियो मैंने सेट किया है, मगर आप इसको लेट करके, और ये टेनिस बॉल है, ये टेनिस बॉल के इस्तेमाल से आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा जब हो जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। और साथ में जैसे कि अभी लंका सर ने समझाया, हमें खाने पीने में भी थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ पे एक और सवाल है, सर मुझे शोल्डर और नेक में बहुत पेन है, प्लीज़ हेल्प मी। शोल्डर पेन, नेक पेन के लिए एक्सरसाइजेस, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, मैंने मेरे वीडियो में जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो आप इनके जो एडवाइस है उनको भी आप सीरियसली लें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद मंजू साहब जी लिखते हैं कि नमस्कार, नमस्कार जी, और विकास चौधरी सर स्टार्ट कर दिया, अच्छा। और एक सुमित कुमार लिखते हैं कि सर मुझे 3 मंथ से राइट शोल्डर में पेन है। शोल्डर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी, आप मेरे चैनल में जाएंगे खोजेंगे तो मिल जाएगा। और तो सर अभी तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। आप डाइजेशन के लिए हम जो डेली रूटीन आपने जो बताया उसको तो लोग फॉलो करेंगे ही, साथ में नहीं भी बहुत सारे, इतने आजकल के जो लाइफ फास्ट लाइफ है, मुश्किल हो जाता है, तो कुछ आप सजेस्ट करें कुछ प्रोडक्ट्स जो कि उनको हेल्प कर सके। थैंक यू। तो अभी थोड़ा सा मैं आता हूँ, तो क्वेश्चन जो था शोल्डर पेंस इसका ऊपर में, मैं तो फिजियोथेरापिस्ट हूँ, डॉक्टर साहब उनका तरीका बताया बिल्कुल वो सही है। तो मेरा जो तरीका है, मैं एंटायर बॉडी को एक ही बात कहता हूँ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब एंटायर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है संपूर्ण, हमें इसको कह सकते हैं न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन है। अगर ये न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, इसी प्रकार का दिक्कतें आता है। तो न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन के चलते हमारा कोई जॉइंट्स में गैप हो जाता है, कोई मसल में पेन शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़। तो इसका मतलब नहीं है खाली न्यूट्रिशन बैलेंसिंग कर देंगे, ये खाना खा लिए तो हुआ नहीं, मैंने इसके साथ साथ में बताया, अगर खाना हमें खाते हैं वो खाना हमारा बॉडी में लगना चाहिए, शरीर में पेनेट्रेट, उसका अंदर में जो न्यूट्रिशंस है वो बॉडी को, बॉडी में आना चाहिए। क्योंकि आपने सुने हैं कि बहुत सारे लोग शुगर आ जाता है, उनके पास तो न्यूट्रिशन जाता है, उनके पास में कार्बोहाइड्रेट जाता है, लेकिन शुगर का फॉर्म में रह जाता है, उनका बॉडी में पेनेट्रेट नहीं कर पाता। इसी प्रकार का डिफिकल्टीज बहुत सारे चीज़ में आता है। पहला बात जैसे, और मैं अगेन प्रायोरिटी दूंगा, ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिशनल इंटेक लेंगे हर जगह पे, गैस्ट्रिक हो या ना हो आपको फायदा होगा, आप तो एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी पास में अगर फिजियोथेरापिस्ट है उनसे तो सलाह लेंगे या योगा अगर एक्सरसाइज का लेंगे, जैसे मैंने बताया आपको सोना पड़ेगा प्रॉपर टाइम पे, टाइमली सोना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए मैं आता हूँ, क्या हमारे पास में डाइजेशन के लिए डाइजेशन ऐड क्या है, क्या हम दे सकते हैं आपको न्यूट्रिशन, कैसे सपोर्ट दे सकते हैं। मैं जानता हूँ जैसे हमें बैलेंस डाइट का बात करते हैं और हम सारे बता सकते हैं बैलेंस डाइट के बारे में है, लेकिन पालन करना इसको आज का डेट में भागदौड़ का जिंदगी के अंदर में मुश्किल है, क्योंकि लाइफ बहुत व्यस्त हो गया, बहुत हरी हो गया, हमें ये सारे चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसीलिए आजकल नया टेक्नोलॉजी, नया चीज़ लेकर या आयुर्वेदिक के अंदर में टेक्नोलॉजी को ऐड करके नया नया कंसेप्ट आ रहा है। पहला बात लेते हैं, मैंने जैसे बताया था बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स आपका बॉडी के अंदर में एक्युमुलेटेड होता है, उसका अंदर में डाइजेस्टिव ऑर्गन का अंदर में, मैं जो और डाइजेस्टिव ऑर्गन कहूँगा, एक तो लीवर है आपका, पैनक्रिया भी आपको सपोर्ट करता है, गॉलब्लैडर का रूल है, इंटेस्टाइन तो है, और इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी प्रकार का ऑर्गन्स आपका डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है।
तो मैं यहाँ एक चीज नहीं कहूंगा हाजमा के लिए एक चूरन खा लो तो आपका हाजमा हो जाएगा, चूरन है तो मेल्ट करके आपका डाइट को हाजमा कर देगा, लेकिन उसमें ऑब्जर्प्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑब्जर्प्शन के लिए या डाइजेस्टिव सिस्टम को डेवलप करने के लिए पहले तो हमें हमारा लीवर को सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि लीवर में अगर बाइल सिक्रेशन ठीक नहीं है, लीवर अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा हो, लीवर अगर फैटी दिखा रहा हो, आपका डाइजेशन में परेशानी होगा, क्योंकि लीवर बहुत सारे केमिकल रिलीज करेगा जो आपका डाइजेशन प्रोसेस को ठीक करता है। तो इसीलिए एक डाइजेस्टिव आर्ट के तरह हमें लीवर को साफ करने पहला साफ क्लिंजिंग के लिए हमारा यहाँ पर सर्बियोजेल है। सर अगर स्लाइड है तो दिखाइए सर्बियोजेल है, ये है सर्बियोजेल, ये हमारा कंपनी से एक च्यवनप्राश जैसे डब्बा बनता सेमी सॉलिड है। इसको खाने का एक घंटा पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी में, एक ग्लास गुनगुना पानी ले सकते हैं, उसमें मिला दे, मिला के पी ले, एक घंटा के बाद में खाना खाए, तो ये क्या करेगा आपका लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, लीवर को क्लींस करेगा और लीवर का एक्टिविटीज को बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें सारे चीज जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आया प्योरली वेजिटेरियन है, इसमें कोई एडिशन कोई सब्सट्रक्शन नहीं है। सबसे बड़ा चीज इसका अंदर में हमें बायो एक्टिव कॉम्प्लेक्स ऐड किया गया। बायो एक्टिव कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब, मैं थोड़ा सा सर टाइम ले रहा हूँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, और सेम चीज और आगे प्रोडक्ट का अंदर में आएगा, मैं इसीलिए एक बार क्लियर कर दूँ। बायो एक्टिव प्रोडक्ट मतलब जो आपका मान लीजिए एक पत्ता हम खाते तो हमारा प्रोसेस ठीक रहता है, हमें कोई चीज में मैंने मदद मिलता है, वो जब पत्ता खाते हैं उसमें हर एक पत्ता का अंदर में ब्यूटी तो है, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हमारा बॉडी के लिए सूट भी नहीं करता, तो इसलिए होल पत्ता को अगर खाते उसमें कुछ फायदा आया कुछ नुकसान भी आया, हो सकता है फायदा ज्यादा आया नुकसान का मात्रा कम हो। और दूसरा चीज पत्ता का अगर मान लो हमें कहते हैं 50 ग्राम पत्ता खाना है, तो इसी प्रकार अगर 10 प्रकार का वेराइटीज ऐड कर देते हैं ये संभव नहीं है, इतना खा नहीं सकते। तो बायोएक्टिव कहने का मतलब पत्ता का वो चीज है जो आपको जरूरी है, मतलब आपका बॉडी के लिए नेसेसरी है उतना ही लेते हैं और लाइवली लेते हैं, तो इसलिए ये क्या करता 100% आपका बॉडी में पेनेट्रेट होता और हमें इसको नैनो एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी में बनाया गया, बहुत पतला सा बनाया गया जो इजीली बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब आपको डाइजेशन के लिए इसका डाइजेशन के लिए कोई एनर्जी जरूरी नहीं है, डायरेक्टली वो सेलुलर लेवल पे काम करता है, सो बहुत फास्ट काम करता है। तो पहला हमारा डाइजेस्टिव एड का अंदर में हमें जो देना चाहते हैं आपका लीवर को सपोर्ट, लीवर सपोर्ट का अंदर में सर्बियोजेल देते हैं, और मैंने जैसे बताया गुनगुना पानी में, एक ग्लास गुनगुना पानी में एक घंटा पहले इसको मिला के पी ले। ठीक है सर, नेक्स्ट प्रोडक्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा जिट्रीजेल, जिट्रीजेल ये जीआई ट्रैक को साफ करता है, पहला क्लिंजिंग, क्योंकि टॉक्सिक एलिमेंट्स जीआई ट्रैक का अंदर में हर जगह पे भरा पड़ा, आपने मतलब स्टोमा का अंदर में ले सकते हैं, इंटेस्टाइन का अंदर में, स्मॉल या लार्ज का ऊपर में भरा पड़ा है टॉक्सिन, क्योंकि वहाँ जो बिलीज है जो वहाँ पर जो लाइनिंग है तो उसका अंदर जो मोकोसा लाइनिंग है उसका अंदर में फंस जाता है टॉक्सिक एलिमेंट, इसको साफ करना जरूरी है। अगर वो साफ नहीं होगा आप कुछ भी खाओ आपका शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो पाथ है जो ऑब्जर्वेशन का पाथ है उसको ब्लॉक कर देता है केमिकल पार्टिकल जाकर। इसका पहला काम होता है इसको सफाई करें, सफाई क्लिंजिंग करें, जिसको हमें डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हमारा आयुर्वेदिक के अंदर में बड़ा अस्त्र है, वो एक्सरसाइज के थ्रू में हो सकता है, लेकिन बेस्ट वे ये है क्योंकि इंटरनली जाकर क्लींस करता है। और इसके साथ साथ में ऐसे सारे इसके अंदर में डाइटरी फाइबर है और हर एक हमारा जो फाइटोजेल है इसको हमें कहते हैं 6 टाइप का फाइटोजेल है, इसमें 2 फाइटोजेल मैंने यूज किया हूँ, एक सर्बियोजेल अनदर है जिट्रीजेल। इसका अंदर में एप्पल पेप्टिन है तो जो बहुत है मददगार होता है और इसमें काफ़ी डाइटरी फाइबर्स है, तो फाइबर के चलते आपका स्टूल पतला होता है मतलब नरम होता है, आपको इजी हो जाता है और जीआई ट्रैक को बड़ा मजबूत करता है। और जीआई ट्रैक के अंदर में एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, बहुत समय में एलोपैथिक ट्रीटमेंट के चलते ज़्यादा दवाई खाते या कोई नशा चीज़ खाते या पानी का कंजप्शन कम हो जाता है, हार्डवर्क करते इसके चलते हमारा जो हेल्दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनका डेथ हो जाता है, उनका नंबर्स घट जाता है। ये क्या करता है वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाता है जैसे उनका डेथ ना हो, इसी प्रकार का, और हजमा में मदद करता है। और ये कि इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, मैं इतना ही कहूँगा अगर आपको जो फूड पॉइजनिंग है विद इन 10 मिनट्स ही आपको रिजल्ट देगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 मिनट्स आपको इमिडिएटली गैस बढ़ जाता है, कोई उल्टी आने का शिकायत है, किसी प्रकार का पेट गड़बड़ी लगता है आपको, आप एक चम्मच 5 से 10 ग्राम तक इसको ले, सेम मुँह में एक थोड़ा सा गुनगुना पानी में लेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा होगा, मतलब आधा ग्लास या एक ग्लास गुनगुना पानी में मिलाए इसको खाने के बाद, जैसे इसको खाने से पहले ये इमिडिएटली 10 मिनट के बाद में, खाने के 10 मिनट के बाद में आप ले सकते हैं, आज दिन में 2 बार दोनों को एटलीस्ट। और काजुअल अगर होगा किसी को होता फैमिली के अंदर में, आप तो मतलब डाइजेशन के लिए लेते हो लेकिन फैमिली के अंदर में किसी को अगर काजुअल किसी प्रकार का फूड पॉइजनिंग का शिकायत होता,
इमीडिएटली एक चम्मच, अगर गर्म पानी नहीं कर पाते उसको मुंह में दे दीजिए, वो चाट के खा ले, नहीं तो मुंह पे रख ले, वो मेल्ट होकर चल जाएगा, सेमी सॉलिड है, कुछ मुश्किल नहीं होगा, आप अपना बेस्ट रिजल्ट विद इन 10 to 15 मिनट्स पा सकते हैं, बहुत इंस्टेंटली काम करता है सर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है, आया है, उसको वो भी कवर कर लेते हैं। साधना सिंह जी लिखते हैं कि मुझे शोल्डर में बैक साइड में बहुत पेन होता है, हाँ बहुत पेन होता है, और जब भी बहुत टाइम तक स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में रहती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक्सरसाइजेस बताया था, फिर से मैं आपके सुविधा के लिए मैं दिखा देता हूँ वो चीज। चलते हैं उस स्लाइड में। साधना सिंह जी, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, इसमें देखिए इसमें रेड कलर का बॉल है, लेकिन आप कोई टेनिस बॉल का इस्तेमाल करके आप इस तरह से अपने शरीर को मसाज कर सकते हैं। ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस में बैठते हैं तो आप अपनी कुर्सी के पीछे, कुर्सी का जो बैक रेस्ट है उसके पीछे में टेनिस बॉल को रख ले। ये मैं खुद भी करता हूँ, बहुत इफेक्टिव है, इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको गैस्ट्रिक का शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है, तो सर का जो एडवाइस है, लहंगा सर का एडवाइस, उसको भी आप ध्यान में रखें, बहुत काम आएगा। और जितने भी प्रोडक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं अभी तो जो हमारा जो प्रिपरेशन था उसके अनुसार नहीं हो पाया लाइव सेशन, डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में लिंक में दे दूंगा, जिससे आप इसे खरीद सकते हैं। बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि सर कोई बेस्ट फिजियोथेरेपी बुक है? सर सेकेंड क्वेश्चन इज कि बीपीटी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, एमपीटी करना हो तो प्लीज हेल्प। बिट्टू जी, आपका सवाल तो अच्छा है, लेकिन ये जो टॉपिक है ऑफ टॉपिक हो जा रहा, फिर भी मैं आपका सवाल का मैं जरूर जवाब दे दूंगा। सब मेरे लिए तो बेस्ट जो बुक है वो है ओ सुलेवान का फिजिकल रिहैबिलिटेशन, उसमें लगभग सभी चीज आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड मिल जाएगा। एक बुक वो हम लोग का फिजियोथेरेपी का बाइबल है, उसमें सब कुछ, बाइबल हो, गीता हो, कुरान, जो भी बोले सब कुछ है उसमें, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया हुआ है। और आप लिखना, ये भी पूछ रहे हैं कि एमपीटी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एमपीटी गवर्नमेंट जॉब में बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपको एमपीटी कर लेना चाहिए, बाकी वो आपके ऊपर है। और जीएसएम लिख रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है सुनित फिजियोथेरेपिस्ट, SUNIT सुनित, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुनित फिजियोथेरेपिस्ट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो सर बिना देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या आपके पास प्रोडक्ट है जो कि आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं जो अच्छा है उनके लिए? थैंक यू। तो मैं अभी बताया आपको दो प्रोडक्ट का बारे में, दो क्लिंजिंग, एक लिवर क्लिंजिंग के लिए और एक आपका GI ट्रैक का क्लिंजिंग के लिए। तो एक क्लिंजिंग के साथ साथ में हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट ये तो देते हैं, अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज़ें आपको सॉल्व दे सकता है। और इसके अलावा अगर ज़्यादा कंस्टिपेशन है, गैस का बहुत ज़्यादा शिकायत है, और कुछ चीज़ हमें एडवाइस करेंगे आपको, हमारा एक हेपार फार्मूला है, हेपार फार्मूला ये पर्टिकुलरली लिवर को सपोर्ट करने के लिए अगेन है, क्योंकि फैटी लिवर हो, लिवर में कोई कॉम्प्लिकेशन, बाइल सिक्रेशन राइटली ना हो, इम्बैलेंसेस हो अगर ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, और पैनक्रिया अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो, हमें इस टाइम में हेपार फार्मूला ऐड करते हैं, जिसके चलते जो है इसका अंदर में 90 कैप्सूल्स हैं, डेली अपने एक एक करके 3 टाइम कैप्सूल ले, खाने के बाद में ले, ये आपका लिवर को बहुत बढ़िया बनाएगा। सर ये मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो कैप्सूल्स आप बोल रहे हैं क्या ये मतलब एलोपैथिक है, क्या है, लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं मैं सर जहाँ तक यहाँ बैठूंगा आपके साथ में, मैं न्यूट्रिशन का बारे में बता रहा हूँ। अभी एक कंसेप्ट नया चीज चल रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसे आपने फार्मास्यूटिकल्स बताते हैं, सेम में न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्योंकि अभी एक्चुअली आपने फार्मास्यूटिकल्स को समझते हैं, टैबलेट फॉर्म को समझते हैं, हमें ऑब्वियसली न्यूट्रिशन को उस पैटर्न में लेकर आते हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि हमारा ये जितना सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आर्ट लाइफ रशिया का प्रोडक्ट है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, सारे फॉर्मेशन बाय रशियन साइंटिस्ट होता है, रशिया से सारे इसका जो इनपुट सारे रशिया से आता है, यहाँ पर खाली इस फैक्ट्री के अंदर में इसको फिलअप किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं है, जो ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम है हमारा जो आयुर्वेद है उस प्रोसेस में बनाया जाता है। मैं एक एग्जांपल अगर आप इजाजत दे तो मैं दूंगा, तो जैसे हमें अर्जुन का छिलका होता है, अर्जुन का छिलका हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो आपने भी रामदेव जी का वीडियो सुने हैं, तो कहते हैं अर्जुन का छिलका को आपने गर्म पानी में गर्म करो और आधा जैसे फूट जाता आधा पानी हो जाता है, इसको छान के पी लो। रियलिटी में जब आपने पियेंगे उसमें बहुत कड़वापन होता है,
और सबसे बड़ा चीज़ को डाइजेशन डिजर्डर करता है, हजमा में बड़ा कॉम्प्लिकेशन करता है, कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट कर देता है इसी प्रकार का, कुछ लोगों को उल्टी हो जाता है। सेम चीज़ मैंने अगेन बताऊंगा जो बायोलॉजिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स का बारे में जिक्र कर रहा था, अर्जुन का छिलका का अंदर में ब्यूटी है लेकिन उसका अंदर में और सारे चीज़ जो नॉट हेल्दी है वो आपको दिक्कतें डालता है। अगर वो नॉन हेल्दी चीज़ को हमें हटा दे, खाली वो चीज़ को ले ले और लाइवली ले ले, ठीक है ना, जीवंत जैसे आपने पेड़ से पाते हो, तो ये फॉर्म में इसको हमें बायोलॉजिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट सारे इसी प्रकार का बनाया गया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत हाई स्टैंडर्ड है और प्योरली ये मतलब इसको डाइट हम कह सकते हैं, दिस इज नॉट मेडिसिन, ठीक है। डाइट मतलब जैसे आपने खाना खाते हो ये एक प्रकार का पूरक खाद्य है, क्योंकि आपका खाना का अंदर में वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा इसलिए आपका लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग करते तो आपका बैक पेन हो गया, आप कभी सोते हो तो आपने वॉकिंग करते हो तो एक्सरसाइज के चलते पता नहीं चलता, या आपका डाइजेशन ठीक नहीं हुआ आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है इसके चलते बैक पेन होता है, किसी जगह पे पेन हो सकता है, या आपने डाइजेशन डिजॉर्डर है, ये चीज़ होता है। तो हमें क्या करते हैं वो बायोएक्टिव कॉम्प्लेक्स, दूसरा चीज़ हमारा जो टेक्नोलॉजी लगा मैंने बोल चुका हूँ नैनो एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी है, बहुत बारीक से किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये हमारा पेनेट्रेशन में मतलब 95% ईजिली आपका बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। तो नॉर्मली एलोपैथिक के अंदर में ये चीज़ नहीं होता और क्विक इफेक्ट देता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने दो चीज़ बता दिया कैसे आपने लिवर को सपोर्ट देंगे और साथ साथ में आपका ये हेपर फॉर्मूला का बारे में बता रहा था, हेपर भी आपको लिवर को सपोर्ट देता है। नॉर्मली लिवर क्लिंजिंग के बाद हमें हेपर लगाते हैं, साइमल्टेनियसली भी लगा सकते हैं, हमें लिवर क्लिंजिंग के लिए दो चार बारी ये करना नहीं है, वन टाइम इसको देते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू टाइम्स हमें जो सॉरी सर्बियो जेल देना है। सेम हमें जिट्री जेल तो हमें ऐसे पैक को वो घर पे रख सकते हैं, क्योंकि मैं फूड पॉइजन के लिए बढ़िया चीज़ बताया, इसको आपने रेगुलर खा सकते हैं। और इसके अलावा ये दोनों प्रोडक्ट तीनों प्रोडक्ट के अलावा हमारा और एक प्रोडक्ट है टॉक्सीफाइटर, टॉक्सीफाइटर का ये कैप्सूल फॉर्म है, ये काफ़ी सस्ता है, शायद 500-600 रुपया है 60 कैप्सूल को है। और इस कैप्सूल का अंदर में जो ब्यूटी है मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें ऐड किया गया, बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ इसके अंदर में है, मतलब हर्बल चीज़ इसमें ऐड किया गया, बहुत सारे प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट इसमें है। तो उसके चलते ये बॉडी के अंदर में जितना डेली टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड होता है इसको हटा देता है। सबसे बड़ा चीज़ इसका कैप्सूल को, इसके अंदर में डाइट्री फाइबर है, तो फाइबर जैसे काम करता है, अगर आपने दो दो कैप्सूल सुबह शाम लेते हो, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है दो दो कैप्सूल लेते हो और सफिशियंट पानी पीते हो तो आपका लैट्रिन बढ़िया साफ होगा, उसको आपको बहुत मदद करेगा आपको लैट्रिन साफ करने में। और इसके अंदर मैं और एक ब्यूटी बता दूं, अगर आपके पास में टॉक्सीफाइटर है और आपको पतला लैट्रिन होता है मतलब जैसे लूज मोशन हो जाता है, तो एट दैट टाइम टॉक्सीफाइटर दो कैप्सूल लेकर अगर आपने पानी नहीं पीते मतलब पानी नहीं पीना उस टाइम में लूज मोशन है, ये आपका लूज मोशन को टाइट कर देगा। इसी प्रकार का मतलब आप कह सकते हैं IBS का केस में बहुत हेल्पफुल होगा और किसी भी नॉर्मल ये में हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे डेली हमें कुछ ना कुछ टॉक्सिन का अंदर में टॉक्सिन हमारा बॉडी का अंदर में आता है, तो इसीलिए हमें टॉक्सीफाइटर को एक एडेड चीज जैसे मैंने बताया डाइटरी फाइबर के लिए हमें इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। और फिर अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में चलूँ, हमारा गैस्ट्रिक का जैसे डॉक्टर साहब बताया और डॉक्टर साहब का जो प्रॉब्लम है गैस से रिलेटेड है, कॉन्स्टिपेशन से गैस और जी क्रैप मैक्सी, हाँ इसको हमें गैस्ट्रो काम मैक्सी है, गैस्ट्रिक को कंट्रोल करे, गैस को कंट्रोल करे, गैस फॉर्मेशन होने नहीं आते तो गैस को रिलीज करने में मदद करे, तो ये है ये प्रोडक्ट है। ये भी सेम 90 कैप्सूल से और कैप्सूल का जो कंजप्शन है कंजप्शन सेम हुए में आपने 1-1-1 3 टाइम्स आप खा सकते आफ्टर मील खा सकते, ठीक है। और इसमें मैं जैसे बताया ये हर्बल है आयुर्वेदिक है, इसको खाने के बाद या खाने से पहले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तभी कुछ चीज़ को हमें खाने के बाद में कहते हो आप इसको बाद में लें। और अगर बाय द वे कभी अगर खाना हो नहीं पाया आपने या खाना कम खाया उस टाइम में इसको लेना नहीं चाहते हो ऐसे ना करें, इसको ले सकते हैं आपने, ठीक है। ये भी आपका गैस रिलीज करने में बहुत मदद करता है और गैस्ट्रिक का जिसको टेंडेंसी होता है गैस का टेंडेंसी जैसे पेन होता है उस टाइम में इसको हमें रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है सर। और एक प्रोडक्ट हमारे पास में है अभी तो किसेल करके, अगर आपने ये किसेल का अंदर में हमारे पास में ये साइबेरियन बेरी ड्रिंक्स है, बेरी एंड फ्रूट ड्रिंक्स है, बड़ा फ्लेवर ड्रिंक्स है। इसके अंदर में जो चीज़ को मैं अगर किसेल का ऊपर मैं बताऊं आपको तो मेनली इसी में हमें ये ड्रिंक्स के लिए कोई दूध या चीनी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खाली गर्म पानी में आपने गर्म करके इसको मेल्ट करके पी सकते हो, क्योंकि साइबेरियन बेरीज का अंदर में इसमें पॉल्यूशन फ्री डिवीजन का अंदर में जो बेरीज नेचुरल वे में कलेक्शन किया गया, जो फ्रूट्स नेचुरल वे में कलेक्शन किया गया उसमें ग्रैनुअल्स बनाया गया। ये ग्रैनुअल्स एक चम्मच अराउंड 10 ग्राम एक मतलब 30-40 ग्राम जो गर्म पानी थोड़ा सा 80-90 डिग्री सेल्सियस में जो फूटा हुआ पानी का अंदर में डाल दें वो जेली जैसे बन जाता है, इसको आपने इसको मिला ले
और ये नॉर्मली मैं ये जो केसल का बारे में बताता हूँ, इसको डेली ड्रिंक जैसे आपने ले सकते हैं, क्योंकि आपका हजमा प्रोसेस को बढ़िया बनेगा। उसमें फाइबर है और इसके साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो आपका इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा, आपका हजमा को बढ़िया रखेगा, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट भी आपका पूरा करेगा। तो इसके अंदर में मैंने जैसे बताया ये साइबेरियन बेरीज है, तो जीएमओ फ्री है क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेस से कलेक्शन किया जाता है, ग्रैनुलर फॉर्म है। इसको थोड़ा सा गर्म पानी में मेल्ट करें, जैसे गर्मी आ रहा है आपने सोचते हो चिल्ड खाना चिल्ड पीना हो तो ठंडा पानी ऐड कर दें, अगर गर्म पीना हो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर ले। गर्म इसका फ्लेवर बढ़िया आता है, कोई एडेड फ्लेवर जरूरी नहीं है, कोई कलर एडिशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्योरली नेचुरल है। और ये किसल का अंदर में हमारा 8 वेराइटीज आता है, डिफरेंट वेराइटीज आता है, तो आपका आप जो फ्लेवर को चाहते हो उस फ्लेवर आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। हमारा कंपनी का साइड में जाकर सर्च कर सकते हैं, हमें लिंक शेयर करते हैं, उसका अंदर में जाकर अपने किसल सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कैसे कैसे है। और जो अगर इसका ऊपर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आप हमसे भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर में जो जो ब्यूटी मैंने बताया, पहला ब्यूटी तो है ये मतलब जो फ्रूट एंड वेजिटेबल से जितना सारे सिर्फ पर्टिकुलरली बेरीज एंड फ्रूट से जो सारे विटामिन एंड मिनरल आना चाहिए ये आपको मिलेगा। और दूसरा चीज़ ये डाइजेस्टिव एड है, क्योंकि आपने रेगुलरली जब लेते हो आपका डाइजेशन प्रोसेस को आपका अंदर में जो बाइल सिक्रेशन होता है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, और एंटायर बॉडी के लिए जो जो चीज़ चाहिए उसका अंदर में वो सारी चीज़ है। और एक यूनिक चीज़ है इसके अंदर में इम्यूनिटी सपोर्ट है, जिसमें विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, सी है, ई है, इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन है जो फर्स्ट लाइन है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम आप कह सकते हैं, तो इसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। बोलेंगे सर तो कंफ्यूज ना हो, सिंपल शब्दों में बता दूं तो कुछ प्रोडक्ट्स है, ये अभी मैंने सर ने जैसे बताया सॉर्बियो जेल ये एक प्रोडक्ट हो गया, फिर जिटरी जेल ये हो गया। ये क्या है कि आपका अंदर में जो आंत होता है हम लोग जो बोलते हैं इंटेस्टाइन होता है उसको जाके ये क्लींस करता है, जिसका वजह से कॉन्स्टिपेशन आपका धीरे धीरे कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो हेपर फॉर्मूला है ये लीवर, ये लीवर को सपोर्ट करता है, लीवर को क्लीन करता है, लीवर को जो एनर्जी हाँ लीवर को जो चाहिए एनर्जी चाहिए वो मिलता है। ये जो ये क्या करता है सर, ये सर्बियो जेल ये क्लींजिंग करता है, वही हमारे आंत का ना, नहीं ये लीवर को क्लीन लीवर ये लीवर को क्लीन करता है। और ये हेपर फॉर्मूला जो है ये लीवर को ये देता है, सपोर्ट देता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है। तो एक तरह से क्लींजिंग भी हो गया, एक तरह से न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिल गया। जब हमारा ये सब चीज़ होगा तो हमारा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक एड्रेस होगा। और मेरे पर यकीन करिए कि बहुत सारा जो पीठ दर्द का जो प्रॉब्लम है, अपर बैक का जो प्रॉब्लम है, वो गैस की वजह से ही होता है। गैस की वजह से हमारा बॉडी में स्ट्रेस आता रहता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में गांठ बनना स्टार्ट हो जाता है, हमारे मांसपेशी में गांठ बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। और मैं तो ऐसे ऐसे केसेस देखा हूँ जिनका यहाँ पे दर्द होता है और ये दर्द जो है यहाँ तक रेडिएट हो जाता है, ये जो स्कल का यहाँ तक, ये इस आईज तक रेडिएट होता है। अगर मान लीजिए आपका इस टाइप का प्रॉब्लम है, आईज यहाँ आईज खिंचा खिंचा सा लग रहा है, यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, तो आपको तो मैंने जो अभी टेनिस बॉल का एक्सरसाइजेस बताया था उसके जरिए आप यहाँ पे सेल्फ मसाज तो आप ले सकते हैं, उससे आपको जरूर फायदा होगा, इंस्टेंटली फायदा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो जो जो प्रोडक्ट्स इन्होंने बताया वो आपको लेना चाहिए। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप करिए, नहीं तो फिर हम और भी कंटिन्यू करते हैं। कुछ और बोलना चाहेंगे सर? मैं थोड़ा सा किसल का ऊपर में बताऊंगा। किसल एक्चुअली हमारा जो आपका ट्रीटमेंट के लिए हमें किसल को ऐड नहीं किया, किसल एक रेगुलर ड्रिंक से है। तो आपने अगर जैसे आपने सर्विस करते हो कहीं भी हो या आपका न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, तो आपने जैसे हॉर्लिक्स पीते हो और सारे चीज़ पीते हो, और आपने एक बार किसल पी के देखिए इसके अंदर में क्या चेंजेस आता है, आपको महसूस हो जाएगा किसल कैसे डिफरेंशिएट होता है दूसरा से, कैसे अलग है। और मैंने किसल का अंदर में जो बताया दो चीज़ तो मैंने प्रायोरिटी दिया आपको, इम्यूनिटी इम्यूनिटी बूस्टर होता है और डाइजेस्टिव ऐड होता है। इसके साथ साथ में तीसरा किसल का अंदर में हर एक चीज़ में हमें एक फ्लैक्स सीड ऐड किया गया, चिया सीड। चिया सीड का जो रूल होता है, चिया सीड जब हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपका मतलब वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसके चलते आपका जो सर्कुलेशन बढ़िया होता है, क्योंकि जो सर्कुलेटरी पाथ का अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्रिग्लिसराइड होता है, इसको साफ करता है। जब रेगुलर ड्रिंक्स में लेंगे अल्टीमेटली आपका सर्कुलेशन बढ़िया होगा सर। और ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करूँ, ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन में जाएंगे। तो जब सर्कुलेटरी पाथ बढ़िया होता है अल्टीमेटली आपका न्यूट्रिशन हर जगह पर पहुँच जाता है,
मैं ये नहीं कहूंगा गैस पहुंचे या ना पहुंचे, आपका जब न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा ये दर्द 100% आपका कमेगा। जो साटिका सर्वाइकल का पेन है उसमें आपने 100% रिलीफ पाएंगे। तो इसीलिए किसी को एक डाइजेस्टिव एड जैसे अगर हजमा नहीं है आपने ले सकते, लेकिन एक रेगुलर ड्रिंक्स जैसे इसको यूज करें आपने बेस्ट रिजल्ट पाएंगे, आप हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सर। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है क्रेजी अर्नव साहब का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता था कि इसको मैं कवर करूं अपने इसमें। और इन्होंने लिखा है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताओ। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं अपना कुछ सजेशन दे दूं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ठंड के मौसम में ना एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वालों को बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपका जॉइंट फ्यूज ना हो, जिस हमारा जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो सब धीरे धीरे फ्यूज होने लगता है, जॉइंट फ्यूज ना हो। आपको रेगुलर मॉर्निंग वॉक करिए, आप रेगुलरली नेक का स्ट्रेचिंग करिए, इस तरह से बॉडी बॉडी का एक्सरसाइजेस करिए। और आपका आसानी के लिए मैं बता दूं कि मैंने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाया है अपने चैनल में, आप जाके सर्च कर सकते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस फिजियो सुनीत फिजियोथेरेपिस्ट करके आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो दिखाई देगा, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। और अगर तो सर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो आप देख ही होंगे केसेस। धीरे धीरे हमारे रीढ़ की हड्डियां फ्यूज होने लगता है और मतलब उसका कैल्शियम का डिपॉजिट, हाँ कैल्शियम के डिपॉजिट की वजह से फ्यूज होने लगता है। और इनके लिए HLA-B27 का टेस्ट कराना पड़ता है जिसमें इनको पॉजिटिव आता है। तो हमारे कुछ सर्कल में भी आप मुकेश जी को जानते हैं, उनका भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का शिकायत है। तो जैसा मैंने आपका जो प्रोडक्ट को समझा है आई थिंक उनको फ्लेक्सी जेल, मैं ऐड कर देता हूँ, फ्लेक्सी जेल उनको काफ़ी मदद करेगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सी जेल, तो ये फ्लेक्सी जेल लेकिन मदद कैसे करेगा ये डीपली मैं नहीं जानता, थोड़ा सा समझा दें। सर हमारा जो बेसलाइन है, मैंने बताया बेसलाइन हमारा क्लेंजिंग है, ये जो जेल आपको फाइटो जेल मैंने बता रहा हूँ हमारा 6 पैक है, 6 पैक का अंदर में फ्लेक्सी जेल पर्टिकुलरली फ्रेमिंग जॉइंट्स के लिए, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस का जितना सारे प्रॉब्लम्स आता है जॉइंट डिजर्डर हड्डी का डिजर्डर के चलते होता है। तो इसके लिए जैसे ये मेजर ऑस्ट्रियो के लिए नहीं है, रोमाटॉइड के भी काम करता है, किसी प्रकार का जॉइंट या मसल पेन के लिए फ्लेक्सी जेल काम करता है। तो फ्लेक्सी जेल का अंदर में सेम चीज़ सेम लॉजिक लगाया गया और प्लांट सोर्स है, इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल सोर्स है, कम उसका जो न्यूट्रिएंट्स जुड़ा गया है, तो नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी है, इजीली पेनेट्रेट होता है। पहले तो ये जो मसल वहाँ पर जो जंक्शन हुआ है मसल का या नेरो का जो डिजर्डर हुआ है इसको ये रिवील करता है और पेन हीलिंग करता है, स्वेलिंग हीलिंग करता है। इसके बाद में पहला बात ये क्लिंजिंग हो गया, वहाँ पर सारे पाथ खुल गया, अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन राइटली नहीं हो रहा है वो मदद करेगा आपको। और ऐसे ऐसे केस देखा हूँ, एक एक दिन में बंदे उसका रिएक्शन भी हमें पता है, उसके फायदा होता है। तो ये चीज़ है। और मैं जैसे बताया था हर एक चीज़ का पीछे हमें न्यूट्रिशनल बैलेंस को ही प्रायोरिटी देंगे। तो हड्डी के अंदर में अगर कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होता बाहर में डिपॉजिट हो जाता है, हड्डी के अंदर में खोखलापन आ जाता तो घिसाई ज़्यादा मतलब उसका मतलब रिपेयरिंग नहीं हो पाता और उसका जो है ना बोन क्या कहते हैं उसको मिनरल जो है मिनरल जो मैंने उसका पास जो थिकनेस है घट जाता है। तो उसके चलते बहुत ज़्यादा पेन होता है, मसल रिड्यूस होने लगता है या सर बोन का डेटरेशन होने लगता है। तो इसलिए हमें पहला बात है कैल्शियम अगर हमारा बॉडी में है तो कैल्शियम हड्डी में ऑब्जर्व क्यों नहीं होता है, तो इस ये हमें खुद को क्वेश्चन करना चाहिए। और कैल्शियम कैसे आपका वो जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, क्यों? दैट मीन्स किडनी आपको साफ नहीं करता है और वो कैल्शियम हड्डी के अंदर में पेनेट्रेट नहीं होता, विटामिन डी का शॉर्टेज हो सकता है, के का शॉर्टेज हो सकता है, ये सारी चीज़ हो सकता है। तो इस चीज़ को तो हमें ऐसे ही एनालिसिस नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर कहीं पर आपको रिपोर्ट मिल जाता है उस रिपोर्ट अगर शेयर करेंगे हमें बहुत सारी चीज़ बता देंगे। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सर वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड ऑटोइम्यून डिजीज है, मैंने सही बात बताया इसमें ऑटोइम्यून डिजीज मतलब सेम बात है बिल्कुल बॉडी का। फिर अगर मैं बताऊँ लेमैन सेंस में बताऊंगा बॉडी का किसी ना किसी जगह पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है क्योंकि आपका डाइजेस्ट सिस्टम से नहीं आ रहा हो, पाथ क्लियर नहीं हो, जहाँ पर सर्कुलेशन होना है वहाँ पर प्रॉपर नहीं हो, इसी प्रकार का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अगर मैं सिंपल सेंस में बताऊंगा। तो जो भी हमारा जॉइंट्स के लिए जितना भी सप्लीमेंट्स है
पीछे हमें डिस्कशन किए, वो सारे सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ में हमें नेरो डिजर्ड के लिए हमारा एरस्टेबल है, वो भी काफ़ी मददगार होगा इस केस में पर्टिकुलर। और मैं यही तक कहूँगा, जो भी शिकायत है, जो भी प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपन आपको बात नहीं कर पाते क्योंकि लिमिटेड टाइम के अंदर में नंबर दिया गया, कोई भी क्वेश्चन आपका मन में आता है उस नंबर पर फोन कीजिए, गेट कन्फर्म फर्स्ट, आपको तसल्ली हो तब जाकर आपने इसको कंज्यूम करने के बारे में सोचिए, ठीक है। और कंज्यूम कैसे करेंगे, आपके पास में कैसे अवेलेबल होगा, वो सारे तरीका आपको बता देंगे, आपने इजीली इसको अवेलेबल कर सकते हैं और आपको हमें बेस्ट रिजल्ट देंगे इसमें आश्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए डॉक्टर साहब के साथ में बैठ, तो क्योंकि उनका कुछ प्रॉब्लम है, उनका पेशेंट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्लिनिक में हमें बहुत सारे लोगों को ये सारे सप्लीमेंट्स का यूज़ किया, इसका बेनिफिट वो खुद देखे, इसीलिए वो इन्वाइट करते हैं। मैं प्रयास करता हूँ जितना सारे प्रॉब्लम है उसके साथ साथ और कुछ प्रॉब्लम जो हमारा बियॉन्ड फिजियोथेरापी आता उसका पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको तो होगा यहाँ पर जब हमें फिजियोथेरापी प्लेटफॉर्म के अंदर में बात करते हैं, अल्टीमेटली हमें मैक्सिमम टाइम फिजियोथेरापी रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं, क्योंकि आपने पार्टिसिपेंट फिजियोथेरापी रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आता। बियॉन्ड दैट अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कोई डिजीज है, इसको मेरा नंबर पर आपने बात कर सकते हैं, मेरे से सलाह कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको राइट गाइडेंस दूंगा और आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा, इतना ही कमिटमेंट करूंगा। उम्मीद करते हैं क्रेजी अर्नव साहब आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, आप एक बार ट्राई करके देखेंगे इस प्रोडक्ट को, जरूर इससे आपको फायदा होगा, कुछ तो जरूर फायदा होगा। कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और जितने भी फिजियोथेरेपी फ्रेंड्स मेरे जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं बहुत जल्द मेरा एक बैचमेट है जो कि न्यूजीलैंड में है, और मैं आप सबके लिए किस तरह से अब्रॉड में कैरियर बनाना है अपना, फॉरेन में किस तरह से कैरियर बनाना है, क्या प्रोसीजर है, उस सब के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। मैं बहुत जल्दी मैं इसका अनाउंसमेंट भी करूंगा कब वो लाइव सेशन में है, तो आप उस सेशन को, लाइव सेशन को आप मिस ना करेंगे। और काफ़ी समय हो गया है आप लोगों का जो हमें जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो तुरंत हम लोग इसका निकाल के हम लोग अभी देर हो रहा है, हम भी अपने अपने घर जाएंगे। तो आदि कल्याण जिले सर, हाय सर, मेरे लेफ्ट अपर बैक में पेन होता है कभी कभी, प्लीज़ रिप्लाई। लेफ्ट अपर बैक में पेन के लिए अगर आप लेट से ज्वाइन किए हैं तो मैं फिर से मैं आपको वो एक मेरा जो फेवरेट एक्सरसाइज है, मैं आपको वो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये मेरा एक फेवरेट एक्सरसाइज है। आप क्या करिए, एक टेनिस बॉल लीजिए, ये तो रेड कलर का बॉल है, आपको टेनिस बॉल लीजिए और उसको ये खड़े होके कर रहे हैं, आप खड़े होके कर सकते हैं या फिर आप लेट के करिए। आप लेट के करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा, लेट करके अपने पेट के नीचे इसको रख लीजिए और फिर ये वाला एक्सरसाइज आप करिए, तो इससे भी काफ़ी आपका रिलीफ होगा। और अपर बैक के ऊपर में मैंने वीडियो भी बनाया है, आप वो वीडियो को जाकर के आप देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैंने बताया है, वो आपको करेंगे तो फायदा होगा। और साथ में अगर आपको मैंने बताया कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, तो अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो ये अगर आप लास्ट में ज्वाइन किए तो दोबारा से आप ये वीडियो को शुरू से देखें, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या क्या गैस्ट्रिक के लिए सप्लीमेंट्स चाहिए। और अगर आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, दिया हुआ है अभी, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाकर के खरीद सकते हैं। तो ये टिकर में आप देख सकते हैं नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर यही पेंट करें या कुछ? ना, मैं समझता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइट हो चुका है। हेलो, यहीं बंद करना उचित मानते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आज सर ही हमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसे थे तो इसीलिए थोड़ा लेट जॉइनिंग हुआ। चलिए आगे इस प्रकार का प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम सजाग रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे। आप हमारे साथ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लिंक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग और एक सिटिंग के अंदर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें मन बेनिफिटेड हो, यही चाहेंगे। आप लोग सारे दूर में बैठे, कोई पास में नहीं हो, तो अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली कि बिलीव लेवल है, इसीलिए हम सारे मिलते हैं। तो ये बिलीव लेवल को हम बरकरार रखेंगे, आगे अच्छा अच्छा सजेशन देंगे। थैंक यू। तो शुरू में जो मैंने बताया कि टेक्निकल इश्यू हो गया था, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। तो जाते जाते एक और सवाल है, क्या ले लें क्या? और एक और सवाल, अच्छा जाते जाते एक और सवाल, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग भी निकल जाएंगे। आदि कल्याणा जी फिर से लिखते हैं, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम हायाटस हर्निया, इस कारण से हो रही है। तो हायाटस हर्निया के लिए तो उसके लिए
हेड के सरनिया में देखिए वही सर हर्निया यहाँ पे होता है, बता दूंगा उनका कुछ एक्सरसाइज फॉर द टाइम बिंग। तो यार सर ही आपको हेल्प नहीं दे रहे, मेरा नंबर है आप कभी मुझे बात करें, मैं लिंक दूंगा उनके साथ में बात करेंगे, वो कुछ एक्सरसाइज आपको बता देंगे उसमें आपको मदद होगा, ठीक है। और क्योंकि उसमें जो परेशानी होता है उसमें मैं जानता हूँ और किसी को जानता हूँ, उन्हें आपको सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी है एक्सरसाइज तो जरूरी है, इसके साथ साथ सप्लीमेंटल जो सपोर्ट होगा मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है सर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, हायटस हर्निया का कारण भी मतलब बॉडी में ट्रिगर पॉइंट्स ये फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से अपर बैक पेन होता है। ट्रिगर पॉइंट्स अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है ट्रिगर पॉइंट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम का वो जड़ है। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, यहीं पे हम एंड करते हैं, बाय बाय।